गुड मॉर्निंग क्लास फाइव. सो टुडे वी विल स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 18 ज्योमेट्री. ओके सो पुट द डेट. टुडे इज 11 जनवरी. अ डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट. अ डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट. अ पॉइंट इज यूजली रिप्रेजेंट बाय अ फाइन डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल और अ पेपर. डॉट किसके थ्रू बनाया जाता है? एक शार्प पेंसिल के थ्रू जो भी डॉट बनाया जा रहा है दैट इज अ पॉइंट. पॉइंट कैन बी डिफरेंट पोजिशंस में हो सकते हैं. पॉइंट्स आर नेम्ड विद द अल्फाबेट टू आइडेंटिफाई देम. पॉइंट्स को हम अल्फाबेट्स के थ्रू लेबल कर सकते हैं. द पॉइंट इज सो माइन्यूट इट हैज नो लेंथ ब्रेथ साइज और शेप. पॉइंट इतना छोटा होता है कि ना तो उसका लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है ना साइज होता है ना शेप होता है. सो अ पॉइंट हैज नो डायमेंशंस. पॉइंट्स के कोई डायमेंशंस नहीं होते. राइट. द पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. जो लाइन पॉइंट्स एक ही सेम लाइन में है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं. और जो पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है दैट आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. राइट. सो इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्लास. और प्लीज नोटबुक में लिख लीजिएगा डेफिनेशंस. पुट द हेडिंग डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर ज्योमेट्री. एंड ये पॉइंट की अ डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट इज यूजली रिप्रेजेंट बाय अ फाइन डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल. ठीक है चलिए पॉइंट की रहने दीजिए पर ये लिख लीजिएगा 1 2. सॉरी क्लास. लाइन सेगमेंट. मार्क टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ पेपर. जॉइन द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन हियर. द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. लेंथ ए बी. ओके सो आप किसी भी प्लेन पेज पे ए और बी मार्क करिए और उसका एक स्ट्रेट पाथ बनाएंगे तो दैट बिकम्स अ लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट है ए एंड बी. दस लाइन सेगमेंट हैज लेंथ विच कैन बी मेजर्ड. लाइन सेगमेंट की ऐसी लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं. ठीक है. अ लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ. अ लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. इट इज डिनोटेड बाय ए बी और बी ए विद अ बार. द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स. ए और बी को क्या बोला जाता है? एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट. टू मेजर अ लाइन सेगमेंट वी यूज रूलर. ओके तो लाइन सेगमेंट का जो ये है द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए एंड बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट ए बी. ये आप एज अ डेफिनेशन लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट. और ये डायग्राम बनेगा. मॉडल. मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी गिवन बिलो. सो प्लेस द एज ऑफ द रूलर इन द सेगमेंट कीपिंग द 0 सेंटीमीटर ऑफ द रूलर एट द पॉइंट. रीड द मार्क. ये देखिए यहाँ पे 0 मार्क्स. 0 पे मैंने लाइन रूलर रखा और जहां तक लाइन आ रही है तो कितनी आ रही है? 7 सेंटीमीटर. द लाइन बिकम 7 सेंटीमीटर. ओके अब लाइन क्या होता है? लेट अस आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच हैव स्ट्रेट एजेस. ऑब्जेक्ट्स सच एज बुक नोटबुक पेंसिल कैरम बोर्ड स्लेट एक्सेट्रा ऑल हैव स्ट्रेट एजेस. कैन वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग एन एज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट? यस. सो अ लाइन सेगमेंट व्हिच एक्सटेंड्स ऑन बोथ द साइड एंडलेसली इनफाइनाइट इज नोन एज लाइन. जिसके कोई एंड ना हो मतलब वो आगे भी बढ़ती जा रही है और पीछे भी बढ़ती जा रही है उसको मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है दोनों का उसको. और लाइन जब लाइन बनाते हैं लाइन के दोनों साइड एरो होते हैं क्योंकि ये इसके आगे भी बढ़ सकती है और इसके आगे भी बढ़ सकती है. कितना? तो इट्स अ इनफाइनाइट लाइन इज इनफाइनाइट और यू कैन नॉट मेजर एट वन पॉइंट. ओके लाइन हैज नो बिगनिंग और नो एंड. लाइन के नो ना ही तो कोई बिगनिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है. इट हैज नो थिकनेस. की कोई थिकनेस नहीं होती. एरोज आर मार्क्ड ऑन बोथ द साइड ऑन अ लाइन. और जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो एरोज दोनों साइड बनाते हैं. नेक्स्ट देखिए रे. व्हाट इज रे? व्हेन द लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली इन द वन डायरेक्शन वी गेट रे. जब एक तो एंड पॉइंट दिया है हमको ए लेकिन दूसरा एंड पॉइंट नहीं है दूसरा कहीं भी कितनी दूर तक एक्सटेंड किया जा सकता है दैट इज नोन एज रे. जब लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट तो डिसाइडेड है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट डिसाइडेड नहीं है और वो उस छोर से कितनी दूर भी बढ़ सकता है दैट इज नोन एज रे. रे कैसे डिनोट करते हैं? ए बी और ऊपर रे ऊपर एक एरो. दीज आर रे. ये देखिए ये इसका एक एंड पॉइंट है. ये हो गई एक रे ये हो गई दूसरी रे ये हो गई तीसरी रे. ओके रेज फ्रॉम द सन लाइट हाउस टॉर्च आर सम एग्जाम्पल ऑफ रेज. टॉर्च से आप रे कर रहे हैं तो टॉर्च का एक एंड पॉइंट तो है लेकिन दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है तो डिफरेंस बिटवीन देख लीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सी टेबल. इस टेबल को आपको नोटबुक में लिखना है. इज दैट क्लियर?
what is lines? We can draw a line segment on a paper. We cannot draw a line on the paper, but we can represent it by a diagram. We cannot draw a ray, but can be represented by a diagram. Line और ray को हम paper में represent तो नहीं कर सकते, but हाँ diagram के through बता जरूर सकते हैं. A line segment ray has a definite length. A line does not have a definite length. Ray does not have a definite length. Line की कोई definite length नहीं है और ना ही ray की कोई definite length है. A line segment has two end points. Line has no end points and ray has one end point. A line segment is symbolized as this. Line is symbolized as both arrow at both the side and ray arrow at one side. Okay. So plane took at the picture of the slate shown on the right. The slate has a flat surface. इसका कैसा है surface? Flat है. If we imagine that is a flat surface extended in all four directions infinitely endlessly, the extended flat surface we get is called a plane. Flat surface कितना दूर तक भी extend किया जा सकता है. A plane cannot be drawn on a paper. Plane पेपर में ड्रॉ नहीं किया जा सकता. इट हैज नो बाउंड्री. व्हाट वी ड्रॉ और शो ऑन अ पेपर इज अ पार्ट ऑफ अ प्लेन. जो भी हम पेपर में शो करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लेन. इट्स नॉट अ प्लेन ओनली एंड द प्लेन इटसेल्फ. द टेबल टॉप फेस ऑफ द बेंच अ पेज फ्रॉम द नोटबुक अ फेस क्लॉक बट ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लेन. तो प्लेन की डेफिनेशन क्या हो गई. अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट हैज नो थिकनेस और बाउंड्री. दिस इज फोर्थ. यू हैव टू राइट इन द नोटबुक. नाउ answer. A line segment is different from ray because a line is different from ray because it has two infinity points. A line is similar to ray because both have infinity points. A ray is different from a line segment because it has one infinity point. A ray is similar to a line segment because it has one end point. A plane is different from a line because it has four infinity points. अब आपको क्या करना है. ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ 7 सेंटीमीटर 5, 7.5, 9 एंड 8.3. मैं इसमें से आपको 7.5 का बता रही हूँ. रेस्ट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. ओके देखिए आई एम टेलिंग यू हाउ टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.5 सेंटीमीटर. This is a scale. Here it is 0. I marked a point here 0. यहाँ 7 तो ये है यहाँ पे और इसके बाद 0.5 और है. ये देखिए दिस इज 7 वेयर इट इज और ये है 0.5 का. This is 7.5. ये बन गया आपका 7.5 सेंटीमीटर. ओके वन मोर लाइन वी विल ड्रॉ. थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको. ये देखिए दिस इज 0. अगर मुझे 9 सेंटीमीटर की खींचे तो ये 9 और यहाँ मैंने डॉट लगा दिया. ठीक है ये देखिए 9. दिस इज माई 9 सेंटीमीटर. ऐसे ही आपको सारी लाइंस को ड्रॉ करना है क्लास. फाइन ड्रॉ अ लाइन एंड नेम इट. एक लाइन ड्रॉ करिए और उसको नेम करिए. जो भी आपको नाम डालना है बी सी डी ई कुछ भी डाल दीजिए. 3 कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एंड नेम देम. सपोज एक लाइन ड्रॉ करी मैंने बी सी के नाम से. 3 कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एंड नेम देम. 3 कोलिनियर पॉइंट्स डालने हैं ई एफ जी. 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड नेम देम. तो 4 डी के एन पी. अरे एंड नेम इट इट्स एंड. अरे एंड नेम इट्स एंड पॉइंट. ये रही आपकी रे और इसका एंड हो गया ओ. कुछ भी डाल सकते हैं आप.
ये आपको नोटबुक में करना है क्लास. नेम सिक्स डिफरेंट लाइन सेगमेंट शोन. नेम सिक्स डिफरेंट लाइन सेगमेंट. एक तो इधर से इधर हो गया वन, एक इधर से इधर हो गया टू ये वाला, एक इधर से इधर हो गया थ्री, एक ये पूरा हो गया फोर, ठीक है, एक यहां से यहां हो गया फाइव, और एक यहां से ये हो गया सिक्स. ओके, अब इसके नेम करें. एल एम, एम एन, एन पी, एल पी, एम पी और एल एन. ये हो गया आपके सिक्स लाइन सेगमेंट्स. दिस यू हैव टू राइट हियर इन दिस क्वेश्चन नंबर फोर. एंगल्स. एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय मीटिंग ऑफ टू रे एट द सेम एंड पॉइंट. पॉइंट वेयर द टू रे मीट इज कॉल्ड एंगल वर्टेक्स. एंगल तब बनता है जब दो रे एक साथ एक एंड पॉइंट पे मिलती हैं, और जहां ये एंड पॉइंट पे मिलती हैं इसको हम बोलते हैं एंगल वर्टेक्स, और इनको बोलते हैं साइड, और ये जो इनके बीच में बन रहा है दिस इज एंगल. ओके, एंगल्स आर एवरीवेयर. व्हेन यू बेंड योर आर्म योर एल्बो बिकम्स अ वर्टेक्स एंड एंगल फॉर्म. जब आप अपना हाथ फोल्ड करते हैं ऐसे बेंड करते हैं तो भी एंगल बनता है. क्लॉक में सुइयों के बीच में एंगल बनता है, सीजर्स के बीच में एंगल बनता है, तो एंगल हर जगह बनते हैं. ठीक है, नाउ अगेन लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स. ईच फिगर इज मेड अप ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी एंड डू नॉट मीट एनी एंड पॉइंट. बट यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है. बट इन फिगर फोर्थ देर आर ए सी एंड हैव कॉइंसाइड. यहाँ पे ए सी ये ए बी एंड ए डी कॉइंसाइड करे हैं, ठीक है, दे आर फॉर्मिंग एन एंगल. जब दो लाइन सेगमेंट मिलके दो लाइन सेगमेंट या दो रे मिलके कोलाइड होती है एक पॉइंट पे, तब उसको हम एंगल बोलते हैं. नेमिंग एन एंगल. एंगल को नेम कैसे करना होता है, जैसे ये लिखा है, ये रे है ए बी सी, ये हो गया एंगल ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये जो वर्ड है ये बीच में आएगा. या तो ये सी बी ए हो सकता है या ये बी एस बी ए बी सी हो सकता है, बट ये बी सी ए नहीं हो सकता क्योंकि एंगल जो बन रहा है बीच में ये वाला लेटर बीच में ही आएगा. ओके, अब लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स एन एंगल. कौन सा फिगर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस वन. नेम द एंगल्स वर्टेक्स एंड द आर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. इसमें आपको एंगल वर्टेक्स और आर्म्स बताने हैं. वर्टेक्स क्या है, इसमें क्यू ये वाला वर्टेक्स है, इसमें ये वर्टेक्स है, इसमें ये वर्टेक्स है, इसमें ये वर्टेक्स है, इसमें ये वर्टेक्स है. आर्म्स कौन कौन से हैं, पी क्यू आर क्यू. अब आप रेस्ट के फाइंड आउट कर लीजिए. और इसके एंगल कौन सा है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, जो बीच में है वो बीच में आएगा, पी क्यू आर. रेस्ट के आप लिखेंगे, दिस इज योर होमवर्क, डू इट इन योर नोटबुक क्लास. इन द फिगर गिवन बिलो सिक्स एंगल्स आर फॉर्म. नेम ऑल द सिक्स एंगल्स. आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, एक तो ये बन रहा है छोटा सा, एक एस ओ टी, एंगल एस ओ टी, एक बन रहा है टी ओ यू, एंगल टी ओ यू, एक बन रहा है एंगल आर ओ यू, एंगल आर ओ यू, ये पूरा एंगल बन रहा है. एक बन रहा है एंगल एस ओ यू, एंगल एस ओ यू, एक एंगल ये बन रहा है, एक बन रहा है एंगल ये वाला, एंगल आर ओ टी. ओके, ये बुक में ही रहने दीजिए, ठीक है. लुक एट द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन. पिक द राइट द डिफरेंट वेज ऑफ नेम द लाइन इन दिस फिगर. राइट द डिफरेंट वेज टू नेम द लाइन. नेम फोर डिफरेंट रेज इन द फिगर. Four rays OQ, OR, ON and OP. Name different five angles formed in the figure. One angle RON, two angle ROQ, third QOP, fourth ROP, fifth NOP.
सबके नाम लिखे, ये नोटबुक में करना है आपको, ये भी नोटबुक में करना है, सब नोटबुक में कर लीजिए, नोटबुक से अच्छा नहीं हो पाएगा। क्लियर? मेजरिंग एंगल्स वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।